नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इसी समय का तो था इंतजार। बरसों से जिसके लिए आप तड़प रहे थे वह चीज़ आपको मिलने वाला है। जी दोस्तों, जिस समय के लिए आप इतना मेहनत कर रहे थे, आखिर दोस्तों भगवान ने आपको वह समय दे ही दिया। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में आपकी कुंडली में दो ग्रहों के शुभ मिलनसार से दो बड़े राजयोग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 7 दिनों के अंदर आप शुभ के जुनकार में बहुत सारे चमत्कार करने वाले हैं। बहुत ही बड़े बड़े बदलाव आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में करने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप शुभ को बता दें कि समयावधि में गुरु और शुक्र की जो दशा होगी आपके कुंडली के लिए बहुत ही लाभकारी अवस्था में आने वाली है, जिससे दोस्तों धन योग और राजयोग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि आप सभी के जन्मकाल में बहुत सारी खुशियां बिखरने वाली है, बहुत लाभ के मौके खोलने वाले हैं, बहुत क्षेत्रों में आपको शुभ समाचार देने वाले हैं। तो दोस्तों सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से बात करेंगे कि यश में जो ग्रहों का मिलनसार है, भगवान श्री राम का जो आशीर्वाद है आप सभी के जुनकार में, आपके घर के माहौल में कौन कौन से खुशखबरी मिलेंगे, पारिजन में आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से आपको मौके मिलेंगे, कौन कौन से शुभ समाचार मिलेंगे, सभी की जानकारी देंगे। साथ साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष बात कि यश में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यश में ग्रहों की जितना प्रबल स्थिति है उतना ही आपके लिए सावधानी पूर्वक समय भी होगा। जहाँ पर आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी वहीं पर दोस्तों आपके दुश्मन, आपके अत्रु आत्माएं वाले लोग आपके ऊपर हमला करने का भी प्रयास कर सकते हैं। यूं कहें तो आपके कार्य में बाधाएं डालने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय आप बिल्कुल भी कोई मिस ना करें और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमारा आप सभी से विनती है, इस वीडियो में हम आपको वह जानकारियां बताएंगे जिन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों आप गलती करने से बचेंगे, आप गड्ढे में जाने से बचेंगे। तो दोस्तों तमाम जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, जो कि आने वाले 7 दिनों के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी शब्द होंगे। तो दोस्तों इन्हें शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही हम आप सभी के जुनकाल से जुड़े एक ऐसे सीख के बारे में बात करेंगे जिन्हें दोस्तों अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों ऐसे ही आपके जुनकाल में सारी समस्याओं का अंत होगा और आप कहेंगे अब तो हम धन ही हो गए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह कौन सी बातें हैं इन्हें भी आप बहुत ज़्यादा गौर से सुने। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम। दोस्तों भगवान श्री राम का अशीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में सारी समस्याएं खत्म होगी, श्री राम के आशीर्वाद से आपको जीवन काल में बहुत लाभ मिलेंगे। जी दोस्तों, और दोस्तों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके जीवन काल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सीख के बारे में। दोस्तों यह बातें ईश्वर से जुड़ा है, तो दोस्तों इन्हें आप जरूर ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले थे। वन में हिरण को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया था कि जंगल में एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई, रक्त बहने लगा और वह व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा पीड़ा में थे, मंत्री की बात सुनकर उन्हें क्रोध आ उठा। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि उसी समय वह साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ लो और मंत्री ने राजा के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे ही बढ़े थे कि उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी कि पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवनदान मिला तो उन्हें तुरंत ही मंत्री की बात याद आई। सोचने लगे कि मंत्री ठीक ही कहता था कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि मंत्री नदी किनारे भजन करते हुए दिखाई दे पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया कि मेरी उंगली कटी इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित किया, भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला किया?
मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि तो चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, पर हमें तत्काल समझ नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान का यह बात अगर आपको अच्छा लगा हो, इन पर यकीन हुआ हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर जो गुरु और शुक्र की मिलनसार है, उनके अनुसार आप सभी के जुनकाल में, आपके घर के माहौल में, पार्वजन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में घर में किसी नजदीकी रिश्तेदार के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी यश में मिलेगा। दोस्तों कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी मामले पिछले काफी समय से लंबित चल रहे थे, उन पर यश में काम करने का उचित समय होगा। शादी दोस्तों यश में घर के किसी सदस्य के वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, परंतु दोस्तों यश में शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की आप कोशिश करें। किसी पर भी यश में आप अधिक भरोसा ना करें, अधिक विश्वास ना करें, यह आपके लिए नुकसानदायक यश में हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, जिन बातों में आप अभी तक संयम बनाए रखे थे, दोस्तों उन बातों में यश में अचानक सकारात्मक बदलाव दिखेगा जो आपको अपेक्षा से अधिक फल प्रदान कर सकता है। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, दोस्तों यश में आपको मेहनत और इंतजार दोनों ही करना होगा, लेकिन दोस्तों सफलता आपको यश में जरूर मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों इस राशि के लोगों का व्यवहार जो है कुशल होते हैं, आप भी परिस्थिति में कार्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों समाज तथा परिवार में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में यश में इजाफा होगा तथा परिवार में परस्पर प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। शादी दोस्तों यश में अपनी भावुकता में और उदारता जैसी कमजोरियों पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा मित्रों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय युवाओं के लिए जो दिन होंगे, दिन खास और महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आप जिस भी बात में हाथ डालेंगे वो उसका सोना बना देंगे। दोस्तों यह समय परिवार संबंधी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इनकी खास तकलीफ आपको नहीं होगी। दोस्तों समाज में आपको नाम और सम्मान दोनों मिलेगा। जिन लोगों के साथ कुछ समय में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, उनके साथ भी मनमुटाव मिटाने का यश में मौका आपको प्राप्त होगा। शादी दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर वाहन खरीदने का योजना बना रहे हैं तो दोस्तों उस पर अमल करने का उचित समय होगा। दोस्तों किसी धार्मिक या फिर सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आमंत्रण भी मिलेगा तथा लोगों के बीच आपका विशेष यश में रुतबा बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत और परिश्रम के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे, परंतु दोस्तों अपने कार्य की क्वालिटी पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। ऑफिस में अपने काम को बहुत अधिक संजीदगी और फिर गंभीरता से करने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कारोबार में कोई नई उपलब्धि मिलने से ज़्यादा सोच विचार ना करके तुरंत उस पर अमल करें। यह समय आय के नए स्रोत बनने के उचित योग बन रहे हैं। दोस्तों नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस तथा वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से उन्हें सुलझाने में आप सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक समस्या को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। बेहतर होगा कि ठंडे दिमाग से और आपसी सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। प्रेम संबंधों में यश में मधुरता बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। घर में नए मेहमानों के आगमन से शुभ सूचना भी मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो खांसी जुकाम बुखार जैसी परेशानी रहेगी। लापरवाही ना बरतें और आयुर्वेदिक इलाज पर अधिक ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो दिन होंगे, दोस्तों यश में कमर दर्द या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी।